श्रवण करना संभव नहीं है। और उस समय भक्त क्या होते हैं? तब भगवान अपने आप को लज्जित और दयनीय प्रदान करते हैं। भगवान जी स्वयं कहते हैं, अहो मैंने ऐसे सुंदर रूप क्यों धारण किया जो रूप मैं भक्त को दे नहीं ये समस्त रूप आदि मानो मेरा मैं भक्त को देना चाहता हूँ, किंतु मेरा मेरे भक्त वो इतना ग्रहण कर नहीं पाया। तो मानो ये समस्त जो है मेरे बोध स्वरूप है, इसलिए भगवान के हृदय में ये समस्त कई न आदि उत्पन्न हो जाता है। इसलिए चेतना चरितामृत में कहते हैं शरीर जगरूल भक्त संचारी, भगवान के जितने गुण है भक्त में वो संचारित हो जाते हैं। भगवान में दैन नाम गुण भक्त में आकर संचारित हो जाता है। और भक्त भी भगवान के निकट दैन से हमें प्रार्थना आदि करते रहते हैं। अभी इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बात वर्णन कर रहे हैं। उस समय भगवान भक्त से इस प्रकार कहते हैं, अर्थात दैन करके भगवान कहते हैं, हे मेरे श्रेष्ठ भक्त, तुमने अनेक जन्म तक मेरे लिए स्त्री गृह संपत्ति इत्यादि तय कर मेरे सेवा के लिए ही सर्दी वायु भूख प्यास व्यथा एवं रोग आदि अनेक क्लेश के सहन किया है। बहुत से लोगों के द्वारा किए गए अपमान आदि को भी ग्रहण नहीं किया, इच्छा वृत्ति से ही तुमने अपने जीवन के निर्वाह किया। अब मैं तुम्हें कुछ भी देने में समर्थ नहीं होने के कारण केवल तुम्हारा ही ऋणी हूं। भगवान इस प्रकार कहते हैं, मैं तो कुछ दे नहीं पाया तुमको है। सार्वभौमत्व अर्थात समस्त पृथ्वी का राजस्व, ब्रह्मत्व, स्वर्ग आदि लोगों का अधिकार पत्र, ब्रह्मा की पदवी तथा योग सिद्धि आदि से कुछ भी तुम्हारे अनुरूप नहीं है। मैं तुमके समस्त सांसारिक वस्तु भी दे भी दूं, तथापि ये समस्त क्या तुच्छ तुम्हारे पास है। इसलिए मैं तुम्हें यह सब कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि पशुओं के अच्छे लगने वाले घास, तृण, भूसा आदि किसी मनुष्य के नहीं दिए जाते है। तात्पर्य क्या है? भगवान यह कहते हैं, ये भक्त तुम मेरे लिए इतने कष्ट स्वीकार किया है, तुमको मैंने कुछ नहीं दिया है। यहां तक भी सार्वभौमत्व पद है भी दे दिया, तब भी तुम्हारे निकट ये तुच्छक है। भक्त भी लेते लेना नहीं चाहते, दियमान गृणन्ति मत सेवन जना जना, और क्या कहें है। सालुक्य, षष्ठी, सामीप्य, सारूप्य, ये चार प्रकार की मुक्ति देने पर भी भक्त कहते हैं, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए। और साजुज्य मुक्ति के लिए क्या कहें, साजुज्य मुक्ति कोई चाहते ही नहीं भक्त। इसलिए भगवान भी कहते हैं, दियमान न गृणन्ति मत सेवनं जना, मेरा सेवा ही चाहते हैं। शुद्ध भक्त क्या चाहते हैं? भगवान की सेवा चाहते हैं। जन्म जन्म आपकी सेवा करूं है। इसी तरह समस्त पृथ्वी का राज्य, ब्रह्मत्व, स्वर्ग आदि लोगों का आधिपत्य,
ब्रह्मा की पदवी तथा योग सिद्धि आदि के कुछ भी तुम्हारे अनुरूप नहीं है, है? इसलिए मैं तुम्हारे यह सब कैसे दे सकता हूं? जैसे उदाहरण दे रहे हैं, पशु के भोजन क्या है? घास, तृण, भूसा है, ये मनुष्य की थोड़ी दिया जाता है, है? मैं तुम्हें मैं अजीत होकर भी आज तुम्हारे द्वारा मैं जीत गया हूं, है? मुझे कोई जीत नहीं सकते, नो वन कैन कम टू मी, बट तुम्हारे त्याग वैराग्य और हमारे प्रति एकांतिक भक्ति देख करके मैं ही तुम्हारे निकट अपने को बिग दिया, है? मैं पराजित हो गया, मैं अजीत होकर के आज मैं तुम्हारे द्वारा मैं जीत गया, है? भगवान के एक नाम है अजीत, अजीत माने क्या, इससे कोई जीत नहीं सकते, किंतु भक्त के निकट भगवान दे न करके कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा मानो बिक अपने को बिक दिया, है? मैं तुम्हारे लिए ऋणी बन गया, है? ऐसी दशा में तुम्हारे सुशीलता ही मेरा एकमात्र अवलंबन है। इस प्रकार परम स्निग्ध वचन के युक्त श्री भगवान की वचन माधुरी को कर्णाभूषण बनाकर अर्थात भगवान की सुमधुर वचन के सुनकर भक्त कहते हैं हे प्रभु, हे भगवान, हे करुणा के सागर, घोर संसार प्रवाह की चक्र रूपी मगरमच्छ के द्वारा मुझे चुर्बित होता देखकर करुणा के उदय से आपका नवीन नवनीत के समान कोमल चित्त द्रवीभूत होने से लोकातीत गुरु का रूप धारण कर काम आदि अविद्या की ध्वंस करने वाली सुदर्शन चक्र आपने दर्शन के क्लेश रूपी मगरमच्छ को काट दिया है और उसी भयंकर दाणों से मेरी रक्षा भी की है। भगवान के दैन्य देख करके भक्त भी अपने दैन्य प्रकाश करने लगे। पहले भगवान अपने दैन्य प्रकाश किया, फिर इसके बाद भगवान के दैन्य देख करके भक्त के हृदय में दैन्य उत्पन्न हो जाता है। भक्त कहते हैं प्रभु ऐसे मत कहिए, हे भगवान, हे करुणा के सागर, मैं तो संसार प्रवाह के चक्र रूपी मगरमच्छ के द्वारा मुझे चुर्बित होता देखकर आप करुणा करके अपने नवनीत के समान कोमल चित्त द्रवीभूत होने से लुकातीत गुरु रूप धारण कर मुझे आश्रय दिया है। आप ही स्वयं मेरे निकट गुरु के रूप में प्रकट हुए है। भक्त कहते हैं जैसे गोप कुमार के जीवन चरित में कहा गया है, स्वयं भगवान विष्णु गोप कुमार के गुरु के रूप में आकर के उनके उद्धार किया, बृहद भागवतम में वर्णन है, है? उनके गुरु के नाम क्या है? जयंत है। गोप कुमार कहने लगे माथुर ब्राह्मण, संग भगवान कृष्ण विष्णु जयंत के रूप में यानी मेरे गुरु के रूप में आकर के मुझे स्थान दिया है। उसी प्रकार भक्त कहते हैं आप गुरु रूप धारण कर काम आदि अविद्या को ध्वंस करने वाले अपने सुदर्शन रूप आप दर्शन के क्लेशकारी मगरमच्छ मच्छर को काट दिया और उसकी भयंकर दाणों से मेरे रक्षा की है। जैसे मगरमच्छ क्रोकोडाइल क्या करता है, विशाल दाणों के द्वारा मुंह के द्वारा है बड़े बड़े जीवों के जैसे वो
निगल लेता है, चुबाता है, ठीक उसी प्रकार अविद्या रूपी काम आदि अविद्या रूपी काम क्रोध आदि मगरमच्छर के द्वारा मैं पीस रहा था, किंतु आपने क्या की, अपने सुदर्शन रूप दर्शन के द्वारा सुदर्शन भगवान के हाथ में जो चक्र जिस उसके नाम कहा जाता है सुदर्शन चक्र, सुंदर दर्शन देकर के बस चक्र की दर्शन देकर के आपने किया कि काल रूपी मगरमच्छर के भी काट दिया और मुझे रक्षा दी, रक्षा की, यही तो है और कुछ नहीं। एक संत महात्मा थे, एक संत महात्मा जंगल के ऊपर चल रहे थे तो जंगल के पास में रहने वाले लोग कहने लगे महाराज आप आगे मत जाइए, उस जंगल में एक राक्षस है, राक्षस के नाम था उंगुली माली, क्या नाम बताया, उंगुली माली, पुराण की कथा है, अर्थात वो राक्षस क्या की प्रतिज्ञा कर लिया ये मैं 1000 मनुष्य के काट करके उनके एक एक उंगुली के जो है मैं गले में माला के रूप में मैं पहन लूंगा है। इसलिए वो 999 मनुष्य को मारा और एक एक उंगुली के द्वारा वो माला तैयार किया, इसलिए उसके कहते थे उंगुली माली है। और एक संत एक रह गया है। जब वो संत महात्मा जंगल के ओर चलने लगे, जंगल के आसपास में रहने वाले लोग कहने लगे महाराज इस जंगल के ओर मत जाइएगा, यहां पर उंगुली माली राक्षस रहता है, आपको काट करके आपको खा जाएंगे और आपके उंगुली को काट करके वो अंतिम माला में लगाएंगे। 999 हो गया, एक रह गया था। संत महात्मा कहने लगे कोई भी बात नहीं है, देखता हूं मैं उनके जीवन के परिवर्तन करा दूं, नहीं तो वो मेरे जीवन के परिवर्तन करा दे। संत के काम क्या होता है, एक व्यक्ति के जीवन के जो है परिवर्तित कर देना है, यही तो संत के काम है, जो संत एक मनुष्य के जीवन के परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वो संत नहीं कह सकता है। वो कर्मी साधु हो, ज्ञानी साधु हो, जोगी साधु हो, भक्त साधु हो, शास्त्र में कहा जाता है साधु उसके कहा जाता है जो एक व्यक्ति के जीवन के धारा को जो है बदल दे, जैसे कोई मांस मछली दुराचार करते यदि उसके जीवन के परिवर्तन नहीं किया उसके संत महात्मा नहीं कहा जाता है, शास्त्र में ऐसे कहा जाता है। विषय की विषय से भोग से निवृत्त करा करके भगवान के ओर मोड़ देना ही तो जीवन परिवर्तन कहा जाता है, संत महात्मा यही तो काम होता है, उसके संत कहा जाता है, भले ही गृही हो अथवा त्यागी हो, संत महात्मा के काम क्या है उसके जीवन की मोड़ को बदल देना है। तो उसी प्रकार संत महात्मा कहने लगे ठीक है मैं भी प्रतिज्ञा कर लिया उनके जीवन के मोड़ को मैं बदल देता हूं और यदि नहीं बदल दिया तो मुझे मार डालेंगे खा लेंगे कोई बात नहीं क्या करें उस जंगल के आसपास के लोग रहने वाले सभी उनके लिए महाराज मत जाइए मत जाइए आगे मत जाइए, किंतु संत महात्मा ने दृढ़ कर लिया आई हैव टू गो। संत महात्मा जब जंगल में अंदर में प्रवेश करने लगे
वो अंगुलीमाली एक विशाल पत्थर के ऊपर बैठा था। संत महात्मा देख करके हा 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 करके हंसने लगे। हैं, आज मेरा पूरा हो जाएगा। एक संत महात्मा आ रहे और उसके उंगली के काट करके मैं अंतिम माला में लगा लूं। है, 999 हो गया ना, पर एक रह गया था। किंतु देखो, वो अंगुली माली राक्षस संत महात्मा के दूर से देख करके विस्मित होने लगे। ये संत महात्मा कैसे मेरे तरफ कैसे आ रहे, इसको निडोर था, वो कोई भयभीत नहीं था। निर्भया विरज विचरंती, निर्भर हो, निडोर होकर के है वो संत महात्मा आ रहे। अंगुली माली आश्चर्य देखने लगे। ना जाने उनके मन में कुछ हो गया, बोले ये संत महात्मा कैसे आ रहे मेरे तरफ है। तब भी उंगली माली विचार करने लगे, कोई भी हो, संत महात्मा कोई भी हो, कोई भी हमारे पास आ जाए उसको तो मैं मार ही डालूंगा। और उनके उंगली के काट करके मैं माला में लगाऊंगा। किंतु देखो, संत महात्मा के प्रभाव से वो उंगली माली अपने आसन से उठ नहीं पाया, उठ नहीं पा रहे, बैठे हुए। उठना चाहते हैं, तलवार लेकर के खड़े बैठे। पता नहीं संत महात्मा ना जाने आज कौन सा ऐसे एक अलौकिक चित्र उंगली माली उठ नहीं पा रहे। धीरे धीरे संत महात्मा उस उंगली माली के पास आ गए। उंगली माली देखो, वो तलवार लेकर के बोले, आ जाओ, तुमको मैं मार देता हूं। हैं, हा 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 करके हंसने लगे। किंतु संत महात्मा का ऐसे प्रभाव है, जिस प्रभाव से उनके हाथ से मानो तलवार नीचे गिर गया। उंगली माली कहने लगे, तुम कौन हो बताओ। तब वो संत महात्मा कहने लगे, देखो मैं तुम्हारे भांति एक सामान्य जीव हूं, मेरे कोई प्रभाव नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता है। तुम्हारे निकट मैं ये प्रश्न करता हूं, तुम कितने जीवों की हत्या किया ये बात बताओ। बोले मैं 999 क्यों हत्या गया, आज अंतिम तुम हो। तब संत महात्मा कहने लगे, बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम हत्या करो, तुम्हारे अभिष्ट तुम पूरा करो, मैं तुम्हारे निकट अपने को बलिदान देने के लिए आया हूं। तुम एक बताओ, तुमने इतने जीवों के जो तुमने मारा, क्या उनके पुनर्जीवित कर सकते हो। बोले नहीं, तो जिसके तुम पुनर्जीवित नहीं कर सकते हो उसके तुम्हें मारने के अधिकार कहां से आया है। जिस जीव को तुम जीवित नहीं कर सकते हो तुम उनके मार नहीं सकते हो, जो सृष्टि नहीं कर सकते ध्वंस नहीं कर सकते है, जो सृष्टि कर सकते हो ध्वंस कर सकता है। सृष्टि ध्वंस कौन करता है, भगवान करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा है, एकमात्र भगवान जगत के सृष्टि करते हैं और उसके रक्षा करते हैं और अंत में उनसे क्या कर देते हैं, ध्वंस करते हैं। क्या तुम भगवान हो, तुम तो भगवान नहीं हो। तुम ध्वंस कर सकते हो और दूसरे के मार सकते हो किंतु तुम सृष्टि नहीं कर सकते हो, जीवन दान नहीं
सकते हो, तुम्हारे करने के अधिकार नहीं है। देखो संत के ऐसे अनमोल वचन सुनते ही वो अंशुमाली अंगुलीमाली अंशुमाली क्या बोला अंगुलीमाली है, उनके जीवन परिवर्तित हो गया। देखो संत महात्मा के चरण में अपने को समर्पित कर लिया। बड़े ये ऐसे तत्व किसने नहीं बताया ना, मैं ही कभी सुना, मैं केवल तम गुण के द्वारा राक्षस वृत्ति मैंने किया, आपने मेरे जीवन के जो है बदल दिया। उस समय वो अंगुलीमाली ने किया कि वो संत महात्मा के चरण में आकर के उसके शिष्यत्व ग्रहण किया और अंत में भगवान के भजन करने लगे और भगवान के भजन करके अंत में भगवान को प्राप्त किया। कहने की तात्पर्य साधु उसको कहा जाता है जो मेरे जीवन की धारा को कोई बदल दे, है जीवन की धारा को बदलना ही तो साधु की कर्तव्य है। चलो हम जो कहते जा रहे हैं भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, हैं वही सुदर्शन चक्र के दर्शन के द्वारा ही भक्त के समस्त कष्ट दुख आदि निवारण कर देते हैं। इसलिए वो मंत्र है, क्या बोले सुदर्शन चक्र के मंत्र होता है, हैं ग्रासी ग्रासी त्राही मांग भूत अपेत पिशाच ग्रासी 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 त्राही मांग हैं ओम सुदर्शन चक्राय नमः, इस मंत्र के द्वारा आहुति दिया जाता है। हैं काल रूपी भयंकर हैं ग्रास मगर मच्छर के जो क्या करते हैं सुदर्शन चक्र उसके क्या करते हैं काट देते हैं, ध्वंस कर देते हैं, जीवों के समस्त प्रकार के अनर्थ को क्या करते हैं नष्ट करा देते हैं। दुर्वासा के चित्र में तो यही दिखाया, जो सुदर्शन चक्र आंखों की पलक पड़ने से ही वो तो दुर्वासा के मार डाल सकते थे हैं, उसको मार दिया। क्या नाम दुर्वासा ऋषि जब अपने जटा से कृत्वा के जो प्रकाश किया है हा हा करके जब आने लगी है अम्बरीश महाराज के मारने के लिए और आंखों की पलक पड़ते ही सुदर्शन चक्र आकर के उसको मार दिया, किसको कृत्वा को मार दिया और फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा के दौड़ चल दौड़ने लगे। क्या दुर्वासा के नहीं मार सकते थे है, वो तो उनकी कोई बात ही नहीं है, आंखों की पलक पड़ते ही कर सकते, किंतु सुदर्शन चक्र क्या किया दुर्वासा की जीवन धारा को बदल दिया है, इसे नाम है सुदर्शन है। उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी, ये तो लीला आदि करने के लिए लोगों की शिक्षा आदि देने लगी, ये शुद्ध भक्त के चरण में अपराध के फलस्वरूप उस क्या होता है और जहां पर अपराध हो जाता है वहीं पर उनकी क्षमा भिक्षा करने पर अपराध नष्ट होता है, है? यही लीला दिखा रहे हैं। किंतु सुदर्शन चक्र चाहे है वो तो दुर्वासा कृषि के एक क्षण में उसको खंडित विखंडित कर सकते हैं, किंतु ऐसे नहीं है। करना क्या है उनकी जीवन धारा को बदल देना। इसलिए यहां पर भी कार्य है, भक्त कहते हैं हे भगवान हैं अविद्या को ध्वंस करने वाले आपके सुदर्शन रूप आपके दर्शन से क्लेश रूपी मगरमच्छ को काट दिया है और उसकी भयंकर दारू से मेरी रक्षा की, अपने श्री चरण कमल का दास बनाने के लिए अपने अपने मंत्र रूपी वर्णावली को मेरे कानों में प्रवेश कराया, जो मंत्र सगुरु वही संग भगवान ही है, मंत्र के रूप में ही तो उनके कान में प्रवेश कराते हैं जो मंत्र जप करते हैं, कृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र जिसको
जो मंत्र जप करते हैं वो मंत्र क्या है, साक्षात भगवत स्वरूप ही है, तो नाम स्वरूप ही है, कृष्ण गोविंद गोपीजन वल्लभ, ये नाम ही स्वरूप ही है। और वो नाम ही कान में प्रवेश करके जीव के हृदय में जितने भी अनर्थ उसके क्या कर देते हैं, ध्वंस कर देते हैं, है? इसलिए भक्त कहते हैं ये भगवान आप स्वयं मंत्र रूपी वर्णावली को मेरे कान में प्रवेश कराए हैं, मेरी पीड़ा पीड़ा का हरण कर अपने दिव्य गुणों और नामों के पुनः श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा मुझे विशुद्ध कर दिया। हे प्रभु मुझे अपने भक्तों की संग प्रदान कर अपने सेवा की प्रणाली का बोध कराने भी दुर्भागा मूर्ख अधम से भी अधम दिनों के लिए आपने आपकी सेवा नहीं कर सका है। भक्त और दीनहीन होकर के कहने लगे हे भगवान है मैं मूर्ख होने के नाते है दुर्भागा होने के नाते अधम होने के नाते आपको मैं कुछ सेवा कर नहीं सका। इस प्रकार यह दुराचारी व्यक्ति दंड के योग्य होने पर भी मुझे दंड नहीं देकर अपने सुदर्शन माधुरी का पान करा रहे हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु है जगाई माला को उद्धार कर दिया, दंड नहीं दिया है, दंड दिया उनको जगाई मधाई ने क्या की है, नित्यानंद प्रभु के ऊपर दुर्व्यवहार किया है, किंतु देखो नित्यानंद प्रभु जगाई माधव के दंड नहीं दिया, दंड दिया नहीं दिया है। महाप्रभु तो बिगड़ गए जब सुना जी नित्यानंद प्रभु के माथे पर है मधाई ने क्या कि घड़ा को मिट्टी के घड़ा को आघात किया, जिससे नित्यानंद प्रभु के माथे से है खून गिरने लगे। इसके सुनते ही चैतन्य महाप्रभु ने क्या कि विष्णु स्वरूप में अभिष्ट हो गए और साथ ही साथ सुदर्शन चक्र को बुलाया है, सुदर्शन जाओ ये दोनों पापी के जो है छेदन करो, गला छेदन कर दो, मार दो। किंतु नित्यानंद प्रभु ने किया कि महाप्रभु के कहने लगे प्रभु है राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे, राम आदि अवतार में तो आप तो क्रोध से अस्त्र धारण किया उसनों को मारा, किंतु ये गौरांग अवतार में आपने तो स्वयं प्रतिज्ञा की ये इस अवतार में आप अस्त्र भी धारण भी नहीं करेंगे और प्राण से भी किसी को भी मारेंगे नहीं है, केवल नाम के द्वारा उसके शोधन करो। इसलिए प्रभु आप अपने प्रतिज्ञा को आप स्वयं रक्षा करें है। आज नित्यानंद ऐसी जो प्रार्थना करने लगे तब वो सुदर्शन चक्र अपने आप वो वापिस चले गए। नित्यानंद प्रभु के ऐसी परम करुणा कहा जाता है। गौर सुंदर कभी क्रोधित हो गए किंतु नित्यानंद क्रोधित नहीं हुए, ये कहते ना अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान सुन्न निताई नगरे बेड़ाए, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान सुन्न निताई नगरे बेड़ाए, जारे देखे तारे कहे दंते तृण धरी है हमारे किनिया लह बल गौर हरि। नित्यानंद प्रभु इतने करुणामय है, अक्रोध क्रोध प्रकाश नहीं किया, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान सुन्न निताई नगरे बेड़ाए, नित्यानंद प्रभु क्रोध नहीं किया, अभिमान भी नहीं रखा है। उसी प्रकार यहां पर भी कह रहे हैं ये भक्त भगवान के प्रार्थना करते हैं प्रभु मैं दंड के योग्य होने पर भी
आप मुझे दंड नहीं दिया है। अपने सुदर्शन माधुरी के पान करा रहे हैं, अहो आप कितने करुणामय हैं। श्री भगवान के वासुलादि मधुर गुणों के अनुभव से प्रेमी भक्त का चित्त अत्यंत द्रवित हो जाता है। वह पहले बतला गया है भगवान भक्त के एकांत अधीन होकर भक्त जिन अशेष दुख क्लेश और नाना प्रकार के अवज्ञा तथा अपमान आदि को सहकर उनका भजन किया है, उसकी तुलना में एक गंडूस जल और एक तुलसी पत्र के विनिमय भगवान आस्वादन करने भी अपने को ऋणी मानते हैं। भगवान भी कहते हैं तुलसी दल मात्र जलस्य चुलके न बा, थोड़ी सी गंगा जल और एक तुलसी पत्ता लेकर के भगवान में अर्पित कर दे। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए मैं ऋणी बन गया और सब कुछ दे दिया है। तुलसी दल मात्र जलस्य चुलके न बा, बस भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे निकट मानो बिक गया है। और क्या बोले, अपने को ऋणी मानते हैं, ऐसे सोचते हैं कि मैं भक्त को कुछ भी नहीं दे सका इसलिए मैं सदा सर्वदा ऋणी हूं है। साधारण भक्त के निकट तो भगवान कहते हैं क्या, जे जथामांग प्रपद्यन्ते स्तांग तथे भजाम मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। साधारण भक्त के निकट भगवान कहते हैं तुम जैसे जैसे भजन किया मैं उनके अनुरूप उनको देता रहता हूँ, किंतु विशेष भक्त के निकट भगवान क्या कहते हैं, अपने को ऋणी मान लेते हैं। भागवते कहे अपना के ऋणी, गीता में तो भगवान बैलेंस दे करके बताया जे जथामांग प्रबद्धन्ते, जो जैसे अपने को समर्पित करते हैं भगवान उसके उसी प्रकार ही कृपा करते रहते हैं। किंतु भागवत में गोपी प्रेम के द्वारा भगवान स्वयं अपने को ऋणी मान रहे हैं। न पारायण निर्बद्धं सुजं ससाधुकृत विबुधापिव जामा दुर्जय गृह श्रृंखला संवृश्च प्रतिजातु साधुना, तो गोपियों के लिए कहा भगवान अपने को ऋणी मान रहे हैं। मैं ऋण चुका नहीं सकते, हे गोपियों आप लोगों ने मेरे लिए जो सर्वस्व त्याग किया इस संसार में न भूतो न भविष्यति है, सब कुछ त्याग दे करके गोपियां भगवान के चरण में कैसे समर्पित आत्मा थी। सती साध्वी स्त्रियों के लिए भी संभव नहीं है, लक्ष्मी के लिए भी संभव नहीं है, अरुंधति आदि अनेकों जो स्त्रियों के सती साध्वी स्त्रियों के शास्त्र में वर्णन है, ऐसे स्त्रियों के लिए भी संभव नहीं है। गोपियों ने क्या की, भगवान के लिए सर्वस्व त्याग दे दिया, लोकलज्जा है धैर्य मान सब कुछ गोविंद के लिए त्याग दे दिया है। यही तो दिखाते हैं श्रीमद् भागवत में गोपी प्रेम की इतने महत्व क्यों बता रहे हैं है? श्रीमद् भागवत में गोपियों की प्रेम महात्मा इसलिए दिखा रहे हैं, ये गोपियां कृष्ण के लिए जितने त्याग दिया इस संसार में कोई है? त्यजंतु बांधवा सर्वई निंदस्तु गुरवो जना तथापि श्याम सुंदर मम सर्वस्व जीवनम। त्यजंतु बांधवा सर्वई है, राधा आदि गोपियां तो कहते हैं कृष्ण के साथ हम प्रेम कर लिया, कृष्ण में हम समर्पित कर दिया, इसलिए हमें मित्र आदि बंधु बांधव परिवारजन मुझे त्याग दे दे। त्यजंतु बांधवा सर्वई निंदस्तु गुरवो जना, मेरे गुरुजन सास ससुर ननद आदि जो भी है वो भी क्या करें, गंजना करें
गंजना करें मानी ताड़न भत्सन करें, हम परवाह नहीं करते। तजंत नंद वासुदेव निंदस्त गुरु वजना तथा भी सहम सुंदर मम सर्वस्व जीवनम, गोविंद मेरा जीवन सर्व है। यही तो कर, सब कुछ त्याग देने के लिए गोपियां तैयार है किंतु गोविंद के त्याग नहीं। गैया तेजो मैया तेजो भैया तेजो, गोविंद कभी नहीं तेजो है। गैया तेजो मैया तेजो भैया तेजो, किंतु गोविंद कभी नहीं तेजो, गोविंद के त्याग नहीं। सब त्याग देने के लिए तैयार है किंतु सती साधी नारी के लिए संभव नहीं है, है? लक्ष्मी आदि अथवा अनुसुआ की सतीत्व के बारे में हम लोग श्रवण भी करते हैं, है? संभव नहीं हुआ लक्ष्मी के लिए तो भी और भी संभव नहीं हुआ। अरे भगवान ने तो इतना ही कहा, अपने अभिमान को छोड़ो, ब्राह्मण अभिमान छोड़ दो, है? ब्रज में ब्रज गोपियों की भांति ब्रज में जन्म लो, है? कंडा दो, गोबर थपथपाओ, है? और फिर दूसरी गोपों के साथ विवाह करो, फिर परकिया रूप में मेरे साथ तुम्हारे मिलन होगा, तब तुम रास में सम्मिलित हो सकते हो। लक्ष्मी कहते ये मेरे लिए संभव नहीं है। रासला में प्रवेश करना चाहती है किंतु नियम पालन करना नहीं चाहती है, है? इसलिए उनके लिए कहा गया है ये दुरह ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। आज तक भी लक्ष्मी देवी बेलवन में जुबना के उस पार बेलवन में तपस्या कर रही है, संभव नहीं है। आशमय किंतु गोपियां ने क्या की, गोविंद के सुख के लिए सर्वस्व त्याग दे दी। प्रेम की तात्पर्य क्या है, अपने के सुख को त्याग देना है, अपने समस्त सुख को त्याग देना ही भक्ति के ऊपर तरफ जाते हैं। ये गोपियां ने क्या की, सब कुछ त्याग दे दिया। मैं भक्त को कुछ दे नहीं सका इसलिए मैं सदा उनका ऋणी हूं, इसलिए तो भगवान गोपियों के लिए कहा, जिसके राधा जी के यही शब्द कहा, न पारंग निर्बद्धं संजुगं ससाधु कृत विबुद्धि जामा दुर्जन गृह श्रृंखला, गृह रूप श्रृंखल है, गृह कहने पर गृह धर्म आदि के जितने नियम कानून जो है वो श्रृंखल के भांति हैं, शिकल के भांति हैं, बंद करके रखे हैं, आज समझ। किंतु गोपियों ने क्या कि सारे श्रृंखल के नियम कानून को क्या कर दिया, त्याग दिया, तोड़ मोड़ करके चले गए, हैं? तो यही तो कहा है, भजन इतने सहज नहीं। गोपी गोपी तो बोलना चाहते हैं, मंजरी तो बहुत दूर की बात है, हैं? हम संसार के नियम को कानून को कैसे तोड़े, नियम तोड़ना इतने संभव नहीं होता है। और गोपियां ने इसलिए भगवान गोपी प्रेम में अपने को क्या कहते हैं, ऋणी मानते हैं, अपन आके गोपी प्रेम में कहे ऋणी है, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं। गीता में तो कहा गया दिया मैंने तराजू लेकर के नाप दिया, जे जथामांग प्रबद्धंते स्तंग तथे में बजाम, तुम जैसे भजन करते हो अब तुम्हारे अपने भजन के अनुरूप मैं देता हूँ, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। किंतु भागवत भागवत में गोपी प्रेम के द्वारा वशीभूत हो गए है, और अपने को ऋणी मान रहे भगवान। भगवान अत्यंत करुण कोमल वचनों से भक्त के निकट यह प्रकाश करते हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि भगवान सर्व ऐश्वर्यशाली है, इसलिए इच्छा करने पर भक्त के सौभाग्य पद ये सार्वभौम पद, सार्वभौम पद, ब्रह्म पद, योग ऐश्वर्य इत्यादि
सब कुछ अनायास में दे सकते हैं, उनके भक्त के निकट ऋणी होने की आवश्यकता क्या है। उसके उत्तर में कहते हैं भक्त निष्काम और पवित्र हृदय होते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सब सभी सकली अशांत है। कृष्ण भक्त जो होता है वो निष्काम, ये संसार की वस्तु नहीं चाहते है। भक्ति सही श्रोता भगवान यदि सत्य भक्ति किसके हृदय में उदित हो जाए, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है चेटिका के भांति पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। जैसे महारानी भक्ति रूपी महारानी चलती है, उसके अगल बगल पीछे और पीछे में ये समस्त है योग सिद्धि आदि अपने आप वो चलती रहती है, है? ठीक उसी प्रकार कहते हैं इसके उत्तर यह है कि भक्त निष्काम है और पवित्र हृदय होते हैं, केवल कृष्ण के सुख के लिए ही उनका भजन करते हैं। केवल कृष्ण सुख कैसे हो, अपने सुख के देहादेही के लिए वो चिंतन नहीं करते। भक्त चाहते हैं भगवान कैसे सुख हो। जत्ते सुजात चरणामुजो रुभम स्तनेशु भीतासने दधिम करकरेश, गोपी गीत में अंतिम श्लोक में ही कहते जा रहे भगवान के सुख के लिए ही उनके देह देहिक सब कुछ समर्पित है। केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए ही उनका भजन करते हैं, उनकी बदल में श्री कृष्ण अपनी सेवा को छोड़कर प्राकृत जा अपरकृत कोई वस्तु उनके प्रदान नहीं कर पाते। वे मनी मन सोचते हैं कि भक्त के अपने सेवा प्रदान करने से तो मेरी ही प्राप्ति होगी, निष्काम भक्त के देने के लिए भगवान के पास और कुछ बचता नहीं है, है? किसी के सेवा लो तो उसके क्या उसके ऋणी हो जाता है कि नहीं। इसलिए जो निष्काम भक्त है वो किसी के सेवा नहीं लेते, तुम्हारी सेवा मुझे नहीं चाहिए भाई, है क्यों, किसी के सेवा लो है उसे कहीं ना कहीं तुम उनके लिए तुम्हें ऋणी बन जाओगे, है कि नहीं, है बन जाता है, बन जाता है वो। इसलिए जो निष्काम भक्त कहते हैं मुझे सेवा नहीं चाहिए, मैं ही सेवा करता हूं, है भगवान है सेवा कर रहे हैं, किसको सेवा कर रहे हैं, राधे की सेवा कर रहे हैं, है सेवा कुंज में आपने क्या देखा, क्या चित्रपट देखा, स्वयं कृष्ण राधा जी को चरण सेवा कर रहे हैं, है सेवा कर रहे हैं। भगवान भी उसी प्रकार दिखाते हैं ये सेवा की महत्व, है हम सेवा के बदल में कुछ लेते हैं तो सेवा नहीं रहता वो, है सेवा के बदल में मैंने कुछ लिया तो सेवा नहीं रहता है वो क्या हो जाता है, वो तो बनियागिरी हो जाता है। तुमने 50 रुपया दिया, 1 किलो चीनी तुम्हें प्राप्ति हुई, दुकानदार 1 किलो चीनी दिया तो दुकानदार के साथ तुम्हारे क्या संबंध रहा, कोई संबंध नहीं है, है कि नहीं, क्यों वो सकाम कहा जाता है, कहते ना हम सेवा कर रहे हैं, दुकानदार कहते ना हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं वो, कहाँ सेवा कर रहे हैं, पैसा नहीं दो वो सेवा करेगा, चीनी देंगे आपको नहीं दे, तो आपने पैसा दिया और उन्होंने आपको चीनी दिया तो लगा रहे हैं क्या, मैं सेवा कर रहा हूँ, क्या सेवा कर रहा हूँ, ये सब लौकिक शब्द मात्र है, है? सेवा उसके दे निष्काम कुछ नहीं चाहते, है?
इसलिए भगवान भी दिखा रहे हैं। भगवान किसको सेवा कर रहे हैं? राधा जी को चरण सेवा करें है, ब्रह्म में ढूंढो, वेद पुराण सब ढूंढ लिया, और ढूंढते ढूंढते जब वृंदावन में सेवा कुंज में देखा क्या, राधा जी के चरण में पटुल रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी चरण दबा रहे हैं, सेवा दिखा रहे हैं। सेवा में आनंद है, सुख है, अपने सेव्य वस्तु में सेवा करके आनंद होता है, है? भगवान कहते हैं तो मेरा चरणामृत तो सभी पान करते रहते हैं। पुजारी ठाकुर जी का अर्चन किया, चरणामृत रख दिया, भक्त लोग भगवान के चरणामृत पान करते हैं। भगवान कहते हैं मैं भी भक्त के चरणामृत पान करूं, मेरा चरणामृत पान करके भक्त में क्या सुख होता है, और मैं भक्त के चरणामृत में पान करूं देखो उसमें क्या आनंद होता है, है? इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्त बन करके है? और वो चरणामृत पान करते हैं, है? महाप्रभु क्या कर रहे हैं, वही तो दिखा रहे हैं। इसलिए अजीत होकर भी भक्त के निकट सब प्रकार से पराजित हो जाते हैं, भक्त के सुशीलता और उनके लिए एकमात्र अवलंबन रह जाता है, अर्थात भक्त भगवान की सेवा करने की जो कुछ सुख प्राप्त करते हैं ऐसी उनके लिए चरम आसादन रहता है। भक्ति का मूल है दैन है, भक्ति का मूल क्या है, दैन है, दैन भक्ति हमारे हाथ उदित हो रहा है कैसे समझे, दैनता रहे, दीनता रहे भक्ति के, इसलिए कह रहा है भक्ति के मूल दैन है, अतृप्ति की ही भक्ति का अभाव स्वभाव है, है? इतने सेवा करके भी भक्त कहते हैं मैंने तुमको कुछ सेवा ही नहीं किया, है? प्रेमी भक्त उसी स्वभाव के कारण अपने को सदैव भक्तिहीन या साधन भजनहीन समझता है, जो जितना ही भक्त सेवा करते हो कहते हैं मैंने तो कुछ सेवा ही नहीं किया, है न प्रेम गंध अस्ति हरे दरायोपी, महाप्रभु तो कह रहे हैं मेरे हृदय में प्रेम की लेस मात्र भी नहीं है, चिन्ह तक नहीं है, कुछ नहीं है, है? इसलिए भगवान की करुणा भरी बातें सुनकर गुरु और वैष्णव के रूप में भगवान असीम करुणा को स्मरण कर भक्त अधीन हो जाते हैं और सोचता है ओहो मेरे जैसे दुराचारी व्यक्ति दंड पाने की योग्य होने पर भी भगवान ने उसे उसके बदल में अपने दुर्लभ दर्शन प्रदान कर मुझे धन्य कर दिया है। श्रीहरि ऐसे की करुणा अनुभव कर भक्त अत्यंत चमत्कृत होते हैं। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, प्रभु के मुख के इस वाणियों से ठग गया हूँ ऐसे बोध होता है कि अब मैं क्या करूँ, 5, 7, 8 लाखों करोड़ मेरे अपराध को वर्तमान है, उनको क्षमा करने की प्रार्थना करने भी मेरे लिए अत्यंत धृष्टता है। संख्या में मेरे अपराध तो परार्ध अर्थात संख गणित के सबसे बड़ी संख्या कहा जाता है, है? गणित है ना, है? गणित में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, संख कहा जाता है, अजूत निजूत कोटि, कोटि अजूत निजूत करते करते अंत में क्या चले जाते हैं, संख कहा जाता है, है? गणित में ये शब्द आ जाता है, इसलिए यहां पर कह रहे हैं मैं ऐसे अपराधी हूं, संख अपराध है अर्थात गणित के सबसे बड़ी संख्या संख कहा जाता है मैथमेटिक्स, उसे अधिक है ऐसे बोध होता है कि समस्त चिरकालीन अपराध अत्यंत प्रबल है, इसलिए अब तक उनका फल भोग रहा हूं,
जो मुझे जो बचे हुए अपराध है उनका भी फल भोग भी होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थना नहीं करूँगा। कितने जीवन मैंने अपराध किया वो अपराध तो भोग तत्तेनु कंपांग सुसमिक्षमान भुंजान एवात्म कृत विपाकम। ब्रह्मा जी कह रहे ना है? भक्त जब दुख कष्ट आदि भोगते हैं भगवान की कहते हैं भगवान ये आपकी अनुकंपा है, है? मैं तो इससे भी कठिन भोग व कठिन दंड के मैं योग्य था, आपने सामान्य दंड दे करके मुझे कष्ट से निवारण कर रहे हैं। कहते अथाति देव पदाम्बुजदय प्रसाद लेसन गृहतम एव ही, ये तो आपके प्रसाद है कृपा है, है? मैंने तो एक दिन पहले ही आपको अंग की नवीन मेघ नील कमल और नीलमणि के साथ अपना अपने देने के लिए धृष्टता की, आपके मुख के चंद्रमा के साथ अचरण के सौंदर्य नव पल्लवों की उपमा देकर अपराध किया। भक्त के हृदय में दैन्य उत्पन्न हो जाता है भगवान के दर्शन करके। भक्त कहते हैं प्रभु मैं अपराधी हूं, क्यों? कहां आपकी सुंदर चरण कमल, कहां आपके अंग की सुगंध और सुंदर रूप, मैं इस संसार में साधारण एक वस्तु के साथ तुलना दी है। जैसे कोई एक व्यक्ति विशाल हिमालय पर्वत के नीचे बैठे है और हिमालय पर्वत की विशाल सिंह के देखने लगे और देख करके किसी अंधे व्यक्ति के निकट वर्णन करने लगे जो हिमालय पर्वत कैसे था, उदाहरण देने लगे एक चने के भांति, चना समझते हो ना, चिकपीस है, कहां विशाल हिमालय और उनके साथ मैंने क्या तुलना की, एक चने के साथ, चना तो छोटा होता है ना, है? ठीक उसी प्रकार आपके अनंत असीम रूप माधुर्य है जो मेरे लिए वर्णन करना संभव नहीं था, किंतु अज्ञ लोगों के निकट है, अज्ञ समझते हो पुलिस व्यक्ति जो है, मूर्ख व्यक्ति के निकट बस जिसके भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो उसके निकट मैंने क्या कहा दिया, दे भगवान कैसे है, है? बता दिया, उदाहरण देते जा रहे हैं, किंतु ये जगत के जितने भी उदाहरण ये क्या है, सब अयोग्य कहा जाता है। क्या भगवान की, भगवान के मुख चंद्रमा के भांति हो सकता है? हम भगवान के उदाहरण देते, भगवान के मुख कैसे है, चंद्रमा के भांति। अरे चंद्रमा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा तो बहुत सुंदर हो जाता है, फिर प्रतिपदा के दिन चंद्रमा क्या हो जाता है, छीन हो जाता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं। क्या भगवान ऐसी है? भगवान के मुख कमल, भगवान के मुख के चंद्रमा के साथ क्यों मैंने तुलना दी है? भक्त लज्जित होते हैं, कहां भगवान के मुख सुंदर कमल सुंदर क्या वर्णन करें, कमल के साथ तुलना भी दे, कमल दो चार दिन तो सुंदर दिखाई रहता है सुगंध रहता है, फिर दो चार दिन के बाद वो क्या हो जाता है, मुरझा हो जाता है, एक एक पंखुड़ी अपने आप झड़ जाते हैं, हैं? लाते नहीं गुलाब फूल की माला लाते हैं, हैं? बर वधू के जो है माला बदल हो रहा था, हैं? और वो एक कमल की माला, पंखुड़ी की जो कमल की माला पकड़े हुए ये पकड़े हुए, और थोड़ा दो चार मिनट में सारे पंखुड़िया अपने आप झड़ गया, बोले वृंदावन बिला बिहारी लाल की, माला बदल हुआ ही नहीं है। जो माला बदल करने के लिए बदलाने के लिए है विवाह के समय जो है वो सोचे जाए ये कमल के द्वारा है पंखुड़ी के जो है इसके द्वारा मैं
किंतु जो आप दो चार मिनट ऐसे ऐसे करें, ब्राह्मण इसे मंत्र पढ़ने लगे हैं, और दो चार मिनट मंत्र पढ़ते पढ़ते सारे पंखुड़ियां क्या हुई, झड़ गया और केवल धागा धागा ही रह गया हैं। एक दूसरे को क्या क्या चढ़ाया, धागा ही चढ़ाया, मतलब धागा ही तुम्हारे फांसी के कारण होगा और क्या होगा हैं। तो उसी प्रकार मेरे कहने की तात्पर्य है, भक्त कहते हैं हे प्रभु आपके जो रूप माधुर्य में वर्णन किया, इस जगत जगत की वस्तु के साथ तुलना दी, ये सब क्या है, व्यर्थ है, है? इसलिए कह रहे हैं आपके मुख को चंद्रमा के साथ, आपके चरण सौंदर्य को नव पल्लव के उपमा देकर अपराध किया, जले हुए संसार के आधे बीज के साथ स्वर्णमय सुमेरु पर्वत और चने के कनिका के साथ चिंतामणि, गिधड़ के साथ शेर की, मच्छर के साथ गोरुड़ की समानता वर्णन कर मेरे दुर्बुद्धि के स्पष्ट से आपके चरण में अपराध किया है, हैं? कहाँ भगवान, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकता है? भक्त भगवान के जब दर्शन नहीं कर रहे तो तुलना देते जा रहे, हजारों तुलना दे रहे हैं, तुलना कंपेयर करते जा रहे, किंतु जब भगवान के दर्शन हो जाता है तो अब वो कहते हैं मैं क्या तुलना दूं, कोई शब्द ही नहीं है तुलना देने के लिए, कंपेयर करने के लिए जड़ जगत की वस्तु तो हम कंपेयर करेंगे, किंतु भगवान की जो सौंदर्य माधुर्य वो सब जड़ातीत कहा जाता है, बेंड ऑफ मटेरियल। तो क्यों जड़ वस्तु के साथ भगवान के साथ मैंने क्यों तुलना दी है? इसलिए हम लोग जाते हैं ना कहाँ पर, गहर वन परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग जाते हैं, दानगढ़, मानगढ़, मोरकुटीर और कौन सा गढ़ है, बिलासगढ़, वहीं पर हम लोग बैठ जाते हैं है? इधर मानगढ़ मान पर्वत और उधर मोरकुटीर ऊपर एक दूसरे से दिखाई, इसलिए ठाकुर जी के दर्शन किया ना मानगढ़ में, ऊपर में ठाकुर जी है, है? ठाकुर जी का क्या नाम है, मान बिहारी की जय है, वहीं पर ठाकुर जी के देखा ऊपर चढ़ा कभी है, देखो वहीं पर मान बिहारी है और यहाँ पर मोर कुटीर है, है? दोनों पर्वत की कैसे सुंदर है। एक समय ठाकुर जी और जुगल सरकार राधा गोविंद दोनों एक साथ में बैठे हुए थे, एक दूसरे से इतने सुंदर नवल किशोर किशोरी के रूप में प्रकाशित हुए, वाह कितने सुंदर, जुगल जुड़ी सरकार की जय, जुगल जुड़ी सरकार की, ऐसे सुंदर रूप माधुरी चल रहे, एक दूसरे के रूप के जो है देख रहे थे है? राधा जी कृष्ण के रूप दर्शन कर रहे हैं और कृष्ण राधा जी की दर्शन करने, इसको बोलो वो मंदिर में जाओ, जुगल जुड़ी के सरकार की एक दूसरे से दर्शन हो रहा है, आहा कैसे सुंदर, जुगल जुड़ी के सरकार की होते जा रहे हैं, एक दूसरे के दर्शन कर रहे थे है? इतने समय राधा जी के मन में ये भावना उदित हुई, राधा जी कहने लगे प्रियाजू कृष्ण मेरे कुछ रूप वर्णन कर, कृष्ण के आंखों से आंसू आ गए, कृष्ण कहने लगे मैं क्या आपके वर्णन करूं है, क्योंकि कुछ वर्णन करने के लिए जाए तो उसे उपमा देना पड़ेगा, नहीं उपमा समझ, तो कोई वस्तु के साथ तुलना देना पड़ता है, उपमा कहा जाता है, उपमा देना पड़ता है, किंतु इस संसार में कोई वस्तु नहीं है ये आपकी किसी अंग के साथ कोई वस्तु तुलना हम दे दें, तथापि राधा जी कहते हैं सैम कुछ वर्णन कर,
जो तुमने मेरा देखा रूप को देखा कुछ वर्णन कर। तो बार बार कहने पर कृष्ण ने वर्णन करने लगे, हे राधे तेरे मुख मानो कैसे है चंद्रमा के साथ, चंद्रमा जैसे है, है? मुख चंद्र कहा जी है, तेरे मुख कैसे है चंद्रमा के साथ। बस इतना ही कहने के साथ ही साथ राधा जी क्या कर दिए, मान कर ली है और कुछ नहीं बोले। श्याम सुंदर ने इतना ही तो कहा दिया, राधे प्रियाजू तेरे मुख कैसे है चंद्रमा। राधा जी मुंह के फेर लिया, देखो लीला में कैसे मधुरता आ रही। कृष्ण ने क्या रही, राधे क्या हो गया तेरा। बस राधा जी आंखों से आंसू की धारा गिराने लगी है, राधा जी रोने लगी है, रो करके बस आगे चल पड़ी। अरे क्या हो तो बताओ, मान क्यों कर लिया है, क्यों रो रही हो। राधा जी रोष भर से क्या कहने लगी, तुम मुझे अपमान नहीं किया, मेरे पिताजी का अपमान किया, विश्वानु महाराज जी मेरे पिताजी के नहीं मेरे भाई सुदाम के भी अपमान किया है। कोई माता पिता के नाम देकर के अपमान करें, गाली दे, कैसे सहन होगा है कि नहीं। ब्रज के तो आम बात हो जाता है, ना कोई समझता है ना कि बोलता है, वो तो आम बात ब्रज में बोलते रहते हैं है? किंतु वास्तव रूप में कोई माता पिता के बा भाइयों के नाम देकर के गाली दे तो कैसे सहन होता है। गांव की बात होता है ना, बातों बात में तो बस है, अपने बेटे के भी वही शब्द बोल देते हैं, बोलता है कि नहीं बोलता है, उसके अर्थ कहीं नहीं होता है, है? अपने बहू के, अपने पत्नी को, अपने बेटा को भी वो शब्द गाली देते हैं। कौन सा गाली देते हैं है? चलो है, किंतु उसके कोई अर्थ निकालता नहीं है, गाली दे देते है? तो अभी कथा प्रसंग में आ जाए, जे राधा जी क्या बोली, तुम मेरे मुझे के वो अपमान नहीं किया, मेरे पिताजी और मेरे भाई को भी तुमने अपमान किया। अरे उसके साथ बात मत करो, ठीक है ठीक, आप बैठ, आप बैठ बैठ बैठ। अच्छा तो उसमें राधा जी कहती, तो कृष्ण बोले मैंने कौन सा अपमान किया तुम्हारे पिताजी को, तुम तो बताओ तो मुझे। राधा जी ने कहा अच्छा बताओ, तुमने बताया मेरे मुख किसके साथ तुलना दिया, चंद्रमा, क्या मेरे मुख चंद्रमा की भांति है, क्यों तुलना दी। चंद्रमा तो पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है, प्रतिपदा के दिन वेच्छ प्राप्त हो जाता है, हैं? फिर ऐसे करते करते प्रथमा द्वितीय तृतीया चौथी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चौदशी फिर पूर्णिमा, ये क्या हो जाता है, अमावस्या हो जाता है। क्या मेरा मुख ऐसे ही है, मेरा काली बदन है क्या, तुम क्यों तुलना दी चंद्रमा के साथ तुलना। अच्छा विद्वान चंद्रमा कहां से निकली है, समुद्र से है? क्या
क्या मेरा पिताजी के साथ कैसे तुलना दी समुद्र के साथ है? और समुद्र के जल कैसे है? खारी है। क्या मेरा पिताजी के समुद्र के साथ तुलना देना तेरा ठीक है? आप बताओ कहां भी सुभानु महाराज मेरे पिता और मेरे पिता के साथ कहां से कौन साथ गए? खारी जल समुद्र के साथ तुलना दी है। आप बताओ मेरे भाई श्रीदाम है, है? तो इसी प्रकार कह करके राधा जी रोते हुए चली गई। कहते झूठ है कपट है, ना तेरे कुछ आता है ना कुछ आता है, है? तेरे साथ हमारी कोई संबंध नहीं। राधा जी मान करके उस पर्वत के पास जाकर बैठी, अकेली बैठी। ललिता विशाखा आदि सखियां देखा क्या जुगल सरकार की तो अभी मिलन नहीं हो रहा है, क्या की जाए है? राधा जी की मान मनाने के लिए ललिता आदि बहुत प्रयास की, किंतु राधा जी का आज मान हो गया क्या? दुर्जय मान हो गया, मान टूटने वाला नहीं, क्या करें? मान नहीं। राधा जी भी वहीं पर आप बैठ करके सिसक सिसक करके रो रही, मान में रो रही है। अच्छा ललिता विशाखा ने क्या की, कृष्ण के एक युक्ति दिया, कृष्ण तुम एक काम करो, देखो ऊंची पर्वत है ना मानगढ़ के उस तरफ जो ऊंची पर्वत है, जाओ वहां पर जाओ। ललिता विशाखा ने क्या कि कृष्ण के सुंदर जो मयूर वेश बना दिया है, गोविंद ने आज क्या कि सुंदर मोर की वेश बनाया मोर। और भगवान जब मोर के रूप धारण करते हैं और बुली जब आ जाते हैं है, के का शब्द आ जाता है ना, समस्त वास्तव जो है सारे मोर गोविंद के चारी तरफ आकर के पंखा फैला करके नृत्य करने लगे है। भगवान की तो यही तो विशेषता है, स्वयं भगवान मोर रूप धारण करके मानो है खेलकूद करने लगे और सारे मोर आकर के चारी तरफ घेर गए, इसलिए नाम ही हो गया मोर कुटीर हो गया। राधा जी बैठी हुई थी इधर, ललिता विशाखा कहने लगे हे राधे उस तरफ तो देखो। राधा जी के इतने समय भावांतर हुई, राधा जी कहने लगी हाँ हाँ देखो सखी, मैं तो ब्रज में अनेकों मोर को देखा किंतु ऐसे मोर को भी नहीं देखा मैंने है। वो मोर के साथ मेरे आज नृत्य करने के लिए इच्छा हो रही, उस मोर के साथ मैं कैसे नृत्य करूं? ललिता विशाखा कहने लगी सखी राधे तुम कभी सुंदर रूप में एक मयूर की रूप धारण करा देता हूं। ललिता विशा ने क्या कि है राधा जी के सुंदर मयूर के रूप धारण करा दिया है, पंखा फैला करके बस वहीं पर आकर के है नृत्य करने लगी। और मोर मयूरी वो तो कृष्ण ही था, और देखते देखते कृष्ण ने वो मयूर यानी राधा जी को आलिंगन किया, फिर अंत में जिगल सरकार की मिलन हुई बल वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए आज तक भी उसको कहा जाता है मोर कुटीर कहा जाता है, है? और इधर मान बिहारी मानगढ़ कहा जाता है। कहां भगवान के सुंदर रूप क्या वर्णन करें, भगवान भी कहते हैं मेरे पे कोई उपमा नहीं है, क्या तुलना दे है? प्रभु के स्तुति कर रहा हूं मैं, ऐसे जान रहा हूं कि वास्तव में मैंने अपनी मूर्खता को अपने कवित्व समझकर लोक में प्रचार किया। भक्त कहते हैं मैं अपने अत्यंत सुंदर अलंकार शास्त्र आदि के द्वारा भगवान की महिमा को मैंने गान किया, किंतु मेरा मूर्खता है। आप नेत्र में क्षण भर के लिए मैंने आपकी श्रीमूर्ति के सौंदर्य एवं रूप वैभव को देखा, इसलिए लज्जित होकर धैर्य रहित गाय की भांति मेरे वाणी आपके सौंदर्य रूपी कल्पना कल्पलता की उपमा
दंभिक वाक्य के द्वारा करने के समर्थ नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार भक्त द्वारा अपने प्रकार से विलाप करने पर भगवान उस पर अतिशय प्रसन्न होते हैं। भक्त रोते रोते कहते हैं, भगवान मैंने आपके जो रूप सौंदर्य माधुर्य प्रकाश किया व वर्णन किया, मैं अपराधी हूं। क्यों न जगत में समस्त यही लौकिक तो उपमा दिया, किंतु भगवान की अंग आदि के उपमा लौकिक नहीं हो सकता है, वो अपराकित है। प्रेसी भाव वाले भक्त के भगवान यथाथ संभव रूप में अभिष्ट अनुभव और समय के अनुकूल अपने विलास से परिपूर्ण वृंदावन वृंदावन का दर्शन कराते हैं। वहाँ के कल्प वृक्ष महाजोगपीठ और अपने प्रेसी के मुखा विश्वान नंदिनी श्रीमती राधिका दर्शन कराते हैं। जैसे जो लोग माधुर्य रस के भक्त होते हैं, प्रेसी भक्त इसको कहा जाता है, कांता रस के भक्त होते हैं, भगवान क्या करते हैं अपने जोग माया के द्वारा दिव्य दिविंदारण कल्पद्रमाध श्रीमद रत्नागर सिंहास्तनस्थ दिव्य अपराकृत वृंदावन धाम को उनको प्रकाश कराते हैं। जमुना के तट पर कल्प वृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन में विराजित जिगल सरकार को जो है दर्शन कराते हैं। इसलिए कहते हैं दिव्य दिविंदारण कल्पद्रमाध श्रीमद रत्नागर सिंहास्तनस्थ। वहाँ की कल्प वृक्ष महाजोगपीठ अपने परिषद के मुखा श्री विश्वान नंदिनी श्रीमती राधिका दर्शन कराते हैं। फिर राधा जी ललिता विशाखा आदि सखियों की सखियों को सुबल आदि सखा अपने सुपालित तो गायें जमुना गोवर्धन भांडीर भट्ट नंदीश्वर पर्वत दर्शन कराते हैं। फिर श्री नंद जसोदा बंधु बांधवों के दास दासियों के तथा समस्त ब्रजवासियों के रसो उत्कर्ष पूर्वक दर्शन कराकर उनकी दर्शन रूपी मना मनमोहनकारी तरंग में उनके मन को सराबोर भगवान उसके परिकरों के सहित अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान क्या करते हैं ऐसे सुंदर रूप को दर्शन करा देते हैं, भक्त देख करके आनंद में डूब जाते हैं, कभी कभी वृक्षित हो जाते हैं। जैसे हमारे कहते हैं ना भक्ति मनोहर ठाकुर कह रहे हैं गोद्रू में बैठ करके भजन कर रहे हैं, हाँ भजन करते करते गंगा के उस तरफ जहाँ पर महाप्रभु की जन्मस्थली देखा क्या चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, नित्यानंद गदाधर पंडित अद्वैत श्रीवास पंच तत्व को देखा और सैकड़ों भक्त मृदंग करताल आदि लेकर के नाम संकीर्तन करते हुए देखा है समस्त भक्तों के दर्शन के। फिर कुछ समय के बाद सब अंतर्ध्यान हो गए। ठीक उसी प्रकार भगवान भक्त के जो है क्षणिक काल के लिए दिव्य वृंदावन धाम को जो है दर्शन कराते हैं है। चलो समय हो गया ना, आए आज कहाँ गए वो है सोनू कहाँ गए, अंतर्ध्यान हो गया है मनुष्य। अरे लाओ लाओ, भगवान की अपार करुणा और उनके प्रति भगवान के ऋणी होने के बात सुनकर भक्त जड़वत और किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। उधर अपने अनादिकाल के अनंत अपराध के स्मरण करके मणिमान अपने को महान अपराधी वो दंडनीय मानते हुए उसमें क्षमा मांगने की साहस नहीं कर जाता। उस समय भक्त की दैनवधि का प्रार्थना इस प्रकार होते है, पहले होता है क्या दैनवधि का प्रार्थना है विज्ञप्ति, इसके बाद पहले होता है दैनवधि का विज्ञप्ति होता है इसके बाद है। प्रार्थना कई प्रकार की होते हैं है। दैनवधि का प्रार्थना कहा, दैन क्या कहते हैं मत्तुल्य नास्ते पापात्मा न पराधी न च कश्चन परिहारे ओपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम
मेरे समान पापात्मा और अपराधी अन्य कोई भी नहीं है। हाय मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, ऐसे कहने पर भी मुझे लज्जा आती है, इससे अधिक मैं क्या करूं। मत्तुल्लो नास्ति पापात्मा। हे भगवान, मेरे भांति इस संसार में कोई पापी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा और कोई अपराधी भी नहीं मिलेगा। परिहारोपी लज्जा, मैं आपके क्या बताऊं, मेरा लज्जा आती है। हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, मैं क्या कहूं। इसलिए प्रेमी भक्त भगवान के निकट अपने दीनता से उत्पन्न कल्पित अपराध के लिए क्षमा नहीं मांगता, उनका दंड भोगने के लिए ही प्रार्थना करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान के रूप लावण्य का दर्शन चमत्कृत हो उठता है और पूर्व काल में जिन उपमाओं को द्वारा भगवान को अंग का ध्यान व अनुमान कर प्रार्थना किया करता है, वो सब उपमा के असत्य और निकृष्ट मानते हैं। पहले तो भगवान की बहुत स्तुति करते जा रहे और फिर कहते हैं, भगवान मैं आपके निकट क्या प्रार्थना करूं, कोई मेरा प्रार्थना नहीं हो सकता। यहाँ तक भी भगवान के श्री अंग के किसी लौकिक वस्तु के उपमा करने में अपराध की भी अपने मूर्खता समझते हैं, क्योंकि सच्चिदानंदमय भगवान उनके किसी अंग जड़ी उपमा के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी वस्तु जो है प्राकृत पंचभूत विकार युक्त है, चंद्र कमल आदि किसी भी उपमा के द्वारा तुलनीय नहीं हो सकता है। देन मैंने कहा चंद्रमा, भगवान के मुख के चंद्रमा के साथ तुलना दे अपराध हो जाता है, कमल के साथ तुलना दे अपराध हो जाता है, क्योंकि जड़ जगत की तो है। श्रील बेल्लमंगल ठाकुर ने भी कृष्ण के प्रति कृष्ण कर्णामृत में उल्लेख किया है, तन मुखं कथम इवा अम्बु तुल्य कक्षं, मैं आपके मुख की उपमा अम्बुज के साथ कैसे करूं। है अम्बुज मने कमल, चंद्रमा पल पल में हस्ता प्राप्त कर जिस दशा को प्राप्त होता है ने ह्रास होता, चंद्र पल पल में ह्रास हो जाता है और उसी साथ वचनों को अगोचर कर आपके दोष रोहित मुख की किसी प्रकार में तुलना नहीं दे सकते। हे भुवनी के कम तो हे वेणुनाद से रत, आपके श्री मुख की तुलना किसके साथ करूं। श्री कृष्ण मानो कह रहे हैं, हे लीलासु, फिर कवियों के किस प्रकार मेरे मुख और हास्य इत्यादि के पद्म और चंद्र के से तुलना की है, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो। इसके उत्तर में लीलासु कहते हैं, हे प्रभु, यदि इसका बात उत्तर सुनना चाहते हैं तो सुनिए, प्राचीन कवियों के प्रणिधान पूर्वक आपके रूप का दर्शन नहीं किया है, केवल कवित्व के अनुसार चंद्र कमल आदि के साथ आपके मुख इत्यादि को उपमा दी। इस जगत में जितने जड़ कवि है भगवान के दर्शन नहीं किया, दर्शन किया, इसलिए दर्शन नहीं कह करके ये जड़ वस्तु के तुलना दे रहे हैं। बिल्लमंगल ठाकुर यही कह रहे हैं, वस्तु चंद्र कोरपुर प्रदीप के समान, अच्छा चंद्र कोरपुर के अर्थ में आपके इसी मुख का निराजन करने के योग्य है। निराजन अर्थात आरती के पश्चात जिस प्रकार प्रदीप दुख दूर रख दिया जाता है, उसी प्रकार आपके मुख के चंद्र कोरपुर प्रदीप द्वारा है आरती पर दूर रख दिया जाने योग्य है। हम प्रदीप को भगवान को दर्शन कराते हैं, आरती कराते हैं, आरती करा करके हम क्या करते हैं, प्रदीप को कहाँ रखते हैं, दूर रख देते हैं, मंदिर में रखना नहीं चाहिए। शास्त्र में कहा गया धूप और दीप हैं, अगरबत्ती और ये प्रदीप भगवान के दर्शन करा करके अर्थ आरती करके मंदिर के अंदर में गर्भ मंदिर में रखना नहीं चाहिए, दूर रख देता है।
है। तो उसी प्रकार आपकी कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। प्रेमी भक्त कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके किसी प्रकार प्राकृत उपमा की तुलना देकर आपकी अतुलनीय रूप को अतुल्य लघु करने का प्रयास नहीं करूंगा। इसलिए वेदांत सूत्र में तो लिखा गया क्या है, अरूपवत तत् प्राधान्य एव ही। अरूपवत, जिनकी रूप किसके साथ तुलना नहीं हो सकता है, तत् प्राधान्य एव ही, वो अपने स्वयं ही क्या है, रूप है, रूपवान नहीं है, वो भगवान रूपवान नहीं है, गुणवान नहीं है, है? आ समझे, जिसे कहो, जैसे कहते हैं धनी धनवान, जिसके पास धन है उसे क्या कहा जाता है, धन और धनी एक नहीं है। जैसे आपके पास धन है, अर्थ है, है? आप अर्थ नहीं हो, रुपया आप नहीं हो, किंतु आपके पास धन रहने पर, रुपया रहने पर हम आपको क्या कह रहे हैं, धनवान कर रहे हैं, है? ये भी आप चिरकाल धनवान नहीं रह सकते, है? आज धनवान है, 10 साल के बाद आप नंगे साधु बन जाओ, है कि नहीं, रूपवान नहीं हो सकते। बाण शब्द के अर्थ होता है जहां पर एकत्रित होता है, जिसके धन जिसके पास धनवान कहते हैं, बाण शब्द हो रहे ना, रूप जिसके पास रूपवान कहा जाता है, किंतु रूप व धन वो अलग वस्तु है। जब भगवान की यदि कहा जाए भगवान रूपवान है, ये शब्द नहीं बढ़ता, क्योंकि रूप और भगवान अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं अरूपवत, उनके रूप जो है किसके तुलना नहीं दे सकते हो, और अरूपवत तत् प्राधान्य एव ही, वो स्वयं ही रूप स्वरूप है, है? स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। आ समझे, इस संसार में जितने भी वस्तु है अलंकार के द्वारा सज्जित होने पर वो देखने में सुंदर लगता है, और वो अलंकार को हटा दिया जाए तो उसके कोई सौंदर्य नहीं रहता है। जैसे विवाह के समय एक काला कलूठी है, है, एक लड़की के यदि सजा दिया जाए कितने सुंदर लगते हैं वो, है कि नहीं है, है? फिर वो घूंघट पर के पहन करके जब चलती है सभी के मन में ये लगता है ये सुंदरी है कैसे, क्योंकि विवाह के समय दुल्हा दुल्हन के जब सजाया जाता है उसके समझ में नहीं आता ये वही है, हमारे गांव के घर के पास वही व्यक्ति है, भाई वही लड़की है कि नहीं है, है? फिर जब वो घूंघट लेकर के जब चलती है सब सोचती हैं, बोले ये कैसी है सुंदरी, कैसी है देखे, तो मन में ललचा होती है, जो क्या बोलते हैं वो जो है शादी के साथ में जो आते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अरे शादी के समय जो लोग आते हैं ना उनके साथ, शादी करने के बारात, बारात जो आप होते केवल खा पी कर चले जाओगे कैसे होता है, लोग कहेंगे भाई तुमने बताओ उन लड़की से शादी, वो लड़की कैसी थी, बोले मैं दिखाई नहीं है, बराती है ना भाई, तो लोग तो पूछेंगे गांव में जब जाओगे, आजकल तो साथ ही साथ विदाई दे देते हैं, पहले तो था पहले 3-4 दिन 7 दिन के बाद विदाई होती थी, साथ ही साथ थोड़ी विदाई हो जाता है। तो गांव के लोग पूछेंगे भाई तुमने उनके बराती होकर के गए, बोले जिसके साथ शादी वो लड़की कैसी थी बताओ, बोले मैं दिखाई नहीं, तो क्या किया तुमने, खा पी कर आ गया ना, हाँ जी है, हम तो खाने पीने के गए, खाने पीने गाना बजाने के लिए, बस इतना ही तो हो गया, रात भर शराब पिया और बस आ गया। किसके साथ शादी हुई, बंदरी के शादी हुई कि बंदर के शादी हुई, हमें क्या लेना देना, आप आते सत्य ही कि नहीं है, है? जो बराती जो आते हैं वो भाई हमें तुम्हारे साथ किसके बंदरी के साथ हुई कि बंदर के साथ हुई, हमें क्या लेना देना है, शादी के समय थोड़ी रह जाता है, वो तो मस्त मारते रहते हैं, है? आ समझे, दूल्हा जब घोड़े घोड़े में बैठ करके जब चलते हैं
उसके पीछे गाना बजाते हुए चलते चलते रहते हैं। फिर आकर के वहीं पर लंगर लग जाता है, और लंगर में चले जाते हैं खा पीन के, जो वहीं पर शादी हो रहा है, उस शादी में कोई नहीं बैठता रहता है। अच्छा बात है सत्य नहीं की, 100, 150, 200, 500 जो लोग उनके शादी में आता है, क्या क्या बोलते हैं बराती जो है, बराती के काम क्या है, बस पीछे भीड़ जमाना केवल मात्र है उनके, तो यही काम है भीड़ जमाना और कुछ नहीं, काम नहीं है। हाँ गाते हुए नाचते हुए खाते पिए, स्त्री पुरुष जो भी जाए है, शराब पी रहे हैं, वो क्या बम फटा रहे हैं, क्या क्या करते जा रहे हैं, है सारे नगर के जो है उजाड़ते हुए चलते जा रहे हैं। और जहाँ पर शादी के जो है वहाँ पर जब चल जाते हैं, फिर उनके लिए खाने के लिए कितने सब व्यवस्था रखते हैं, सारी तरफ गिर गए 108 आइटम लगा रहता है, सब लोग बैठा रहता है, हैं भाई रात 12-1 बज गया चलो हैं। वहाँ शादी जो होने वाला है, विवाह जो होने वाला है, ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, उनके माता पिता 2-4 बैठी बैठे रहते हैं। शादी में अटेंड किया कभी आप लोग, किया कि नहीं किया हैं क्या पंडित जी हैं? देखो शादी में कोई नहीं बैठता रहता है, हमें क्या लेना देना है, और वो लड़की कैसे है नहीं है उससे हमें क्या देना है, बंदरी है कि बंदरी है वो हमें क्या है? ले खा पी हो खाट पी पी लिया, रात 2-3 बज गया बोले चलो हम चले जाते हैं, बोले तुम साथ तुम्हारी हो आगे आगे के काम तुम लोग देखो। हाँ होता है कि नहीं होता है बताओ है? बोले वृंदावन बिहारी लाल है? अच्छा उसमें कोई एक व्यक्ति सोचे जो बराती थे, अच्छा चलो है इनके साथ जिसके साथ विवाह विवाह हुई वो कैसे थी, वो घूंघट पर घूंघट इतना रखे ना, सब लोग कहने लगे भाई कम से कम तो 1 सेकंड के लिए दर्शन करा दो, दर्शन करा दिया तो उसके दांत इसने ऊपर उठा था काले कलूटी दे देख करके बोले हो गया, बोले वृंदावन बिहारी है? ज्यादा तो लोग तो देखते नहीं है, चले जाते हैं बराती सब अपने प्रातः काल होने के पहले ही सब रणभंग हो जाते, सब चले जाते है कि जाते है? हाँ बस खा पी करके रात रात 1-2 बजे ही वो निकल जाते हैं, किसके साथ शादी हुई क्या हुई ये सब उनके साथ वो कोई है? अच्छा ये बात सत्य ही कि नहीं है, मैं जो वर्णन कर रहा हूँ ये गुरुदेव वर्णन करते, मैं तो देखा ही नहीं, मेरे तो पता नहीं है, गुरुदेव ऐसे ही वर्णन करते थे हैं, शिला गुरुदेव यहीं पर जो है जब ये वर्णन करते थे मैं उसी के आप लोग के निकट प्रस्तुत कर दिया हैं, इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं हैं भगवान के ऐसे मधुर रूप क्या वर्णन करें, इसलिए वेदांत सूत्र में तो ही कहा गया और रूपवत है और रूपवत एव तत् प्राधान्य एव ही, और रूपवत जिसके कोई रूप के साथ तुलना नहीं हो सकता है, वत् शब्द होता है तुलार्थी, वत् शब्द होता है तुलार्थी, एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु तुलना देने के लिए वत् शब्द निर्मल उत्पन्न होता है और रूपवत अशब्द कहा गया जिसके रूप किसके साथ तुलना नहीं हो सकता है, क्यों वो अपराकित है दिव्य है, और उनके जो रूप जो कहते हैं वो यूनिक है अनप्रलाल जिसको कहा जाता है, इसका तुलना हो ही नहीं सकता है, और रूपवत तत् एव प्राधान्य ही उनकी प्रधानता ही रहता है, वो रूपवान नहीं है गुणवान नहीं है, वो गुणी स्वरूपी है, वो स्वयं ही स्वयं सिद्ध है, वो है भगवान क्या है स्वयं सिद्ध है, वो किसी के द्वारा नहीं वो स्थापित नहीं हो सकता। हम लोग कहते हैं बृहद विग्रह स्थापन करते हैं, क्या करते हैं प्राण संचार करते हैं, ये समस्त जो है केवल शब्द मात्र ही रह गया लोगों की श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कि स्वयं भगवान है, क्या उसके प्राण नहीं था, प्राण तुम संचार कर रहे हो, क्या भगवान पत्थर था वो कि पत्थर में तुम
क्या प्राण संचार कर रहे हो? कई युक्ति आ जाता है, है? वो तो स्वयं भगवान ही है, स्वयं मूर्तिमान है, स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, नाम विग्रह स्वरूप तिनेर नहीं भेद, तिनेर भेद कर ले भाई अपराध। नाम विग्रह स्वरूप, नाम साक्षात भगवत स्वरूप है, विग्रह स्वयं प्रकाशमान है, है? हम लोग जो शब्द आदि व्यवहार आदि करते हैं, ये लोगों के साधारण लोगों की एक श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए है। ये विग्रह साक्षात भगवान है, भगवत स्वरूप है, वो स्वयं ही प्रकट हुए हैं, इसलिए लिखा रहा निमंत्रण पत्र में लिखा रहा स्वयं ही मंदिर प्रकाशित हुए हैं, स्वयं ही विग्रह प्रकाशित हुए हैं, लिखा रहता है, देखना उसमें है। हम विग्रह के क्या प्रकाश करें है? वो स्वयं ही प्रकाश होते हैं, भक्त जैसे जैसे चाहते हैं भक्त के अनुसार भगवान अपने रूप को प्रकाश करते हैं, इसलिए जैव धर्म ये सब लिखा है, जैव धर्म ग्रंथ में पढ़ो। ये विग्रह कोई पुतली का नहीं है, डॉल नहीं है, है? इसलिए कहते महाप्रभु क्या कह रहे, विग्रह नहीं कि तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात आप ही स्वरूप है, स्वयं ही प्रकाशमान है, है? आस में किंतु साधारण जड़ बुद्धि वाले लोगों के लिए ये सब का दिखा रहे हैं है? चलो ये विग्रह जयपुर से लाए हैं, ये विग्रह श्वेत है, ये विग्रह काले है, ये है वो है, उसी कर कहते ये जड़ बुद्धि वालों के लिए। किंतु जो महात्मा होते हैं, शुद्ध महात्मा होते हैं, वो अंतर हृदय से विग्रह के दर्शन करते हैं, और स्वयं भगवान ही जीवों की कल्याण के लिए विग्रह रूप में स्वयं प्रकाशित होते हैं, इस स्वयंभू स्वयं प्रकाशमान है वो है। इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर में भी कहा गया, ब्रह्मा जी के बुलाया गया, जे आइए आप इस मंदिर की प्रतिष्ठा कीजिए है, पढ़े हैं ना श्री क्षेत्र ग्रंथ में पढ़ा हुआ कि नहीं? ब्रह्मा जी ने क्या कहा, देने करके कहा ये जगन्नाथ के मंदिर, इसको मैं क्या प्रतिष्ठा करूं है? ब्रह्मा जी ने आकर के क्या, अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए प्रार्थना के लिए है, ओ क्या राजा है, इंद्र तुमने क्या कहा, मैं इसकी प्रतिष्ठा नहीं करते है। उन्होंने किया कि एक ध्वजा को बांधे दिया, बस हो गया है। देखो ब्रह्मा जी कहते हैं उसमें, देखो उस ग्रंथ में स्पष्टीकरण कर दिया, ये मंदिर जो है स्वयं भू है, वो है स्वयं प्रकाशित हो रहा है, विग्रह स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, जगन्नाथ जी को किसने प्रकाशित किया है, स्वयं प्रकाशित हुई है। ऊपर से दिखा रहा है वो राणा घुस गया और वो 21 दिन हो गया है, कोई शब्द नहीं आ रहे, तो भगवान स्वयं ही ये जगन्नाथ रूप के रूप में प्रकाशित होना था। वो कहने लगे स्वयं जगन्नाथ इंद्र तुमने महाराज के कहने लगे, हे राजन तुम दुख प्रकाश मत करो है, तुम जो मेरा रूप दर्शन करना चाहते थे, कौन सा नीलमाधव के रूप में दर्शन करना चाहते थे, किंतु तुम चिंता मत करो, दुखित मत हो, इस जगत में मैं यही जगन्नाथ के रूप में मैं प्रकाश करना चाहता हूं, इसलिए मैं स्वयं ही प्रकाशित हो गया है। उसमें स्पष्टीकरण किया कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये विग्रह साक्षात स्वयं प्रकाशमान है, है? जगन्नाथ जी के आप ये पढ़ो, उसमें स्पष्टीकरण कर लिया है। और जगत में ये प्रचारित रहे जे स्वयं भगवान भक्त के प्रेम के द्वारा कैसे स्वयं द्रवीभूत हो जाता है, है? जिस कथा प्रसंग आप लोग सुने, स्वयं रोहिणी देवी है, जब ब्रजवासियों के प्रेम महात्मा वर्णन करने लगे और कृष्ण बलराम दोनों आकर के सुभद्रा के अगल बगल में बैठ गए, दाएं और बाएं में बैठ गए, और गोपियों की प्रेम महिमा विरह की कथा सुनते ही कृष्ण बलराम के शरीर क्या हो गया, विगलित हो गया, स्वयं भगवान की विगलित हो गए, गलित हो गए, जैसे
बर्फ जैसे सूर्य के किरण से जैसे पिघल जाता है, है? पिघले हुआ, डायलेटेड आईज, हाथ पैर भी नहीं है, है? केवल दोनों आंख ही मानो रह गया और सारे अंग आदि पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। और उनके पास में जो है सुभद्रा जो बैठी थी जोगमाया, उनके भी ऐसे दशा हुई है। इतने समय नारद ऋषि पधारे, नारद ऋषि आकर के स्तव स्तुति आदि करने लगे, है? तब भगवान फिर पुनः रूप धारण किया और भगवान कहने लगे, नारद तुम कुछ वर मांगो। तब नारद ऋषि ने कहा, प्रभु आपकी जो पिघले हुए द्रवीभूत जो अपराकृत शरीर जो है मैंने दर्शन किया, उसकी जगत में आप प्रकाशित किए, महाभाव की दशा यह है, है? ये महाभाव स्वरूप कलेवर इस जगत में आपके प्रकाशित हो। लोग सोचे, विचार करें, ये स्वयं भगवान भक्त की प्रेम महिमा सुनकर के कैसे द्रवीभूत हो गए। हम जगन्नाथपुरी इसलिए तो जाते हैं, है? ये स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम महत्व को सुन करके कैसे द्रवीभूत हो गए। ये जगन्नाथ के किसने प्रकाश किया? क्या लाकड़ी खोट 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 कर करके बनाया, ना पत्थर खोट करके बनाया? स्वयं प्रकाशमान है, है? इसलिए कहते हैं विग्रह स्वयं प्रकाशमान है। मंत्र तंत्र आदि के द्वारा, बड़े बड़े साधुओं के द्वारा हम कराते हैं, यज्ञ करते हैं, वो करते करते था। ये सब किसने करते गया? शास्त्र में इसलिए क्यों कहा गया? भाई ये तो शास्त्र में विधान दिया गया, बोले एक साधारण लोगों की श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए, और कोई कारण नहीं है। वो तो स्वयं ही प्रकाश हो जाएंगे, है? भक्त जैसे चाहते हैं वो भगवान उसी स्वरूप के भक्त के निकट प्रकाश कर देते हैं। परम गुरु महाराज चाहते हैं ये मेरा कृष्ण ऐसे प्रकाशित हो, कौन सा सेद विग्रह के रूप प्रकाशित हो। इसलिए परम गुरु ने लिखा कि नहीं, राधा चिंता निवेशनम यशकंती विलोर्पिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधालिंगित विग्रहम, राधालिंगितम विग्रहम, है? कृष्ण देखो राधा जी के द्वारा ही पूर्ण रूप से वो ढके हुए है, वैसे तो कृष्ण प्रकाशित हुआ है। इसलिए जो विजयवधर में लिखते हैं, जो उन्नत कोटि के संत महात्मा होते हैं उनके अंतर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, और जो उच्च कोटि के संत महात्मा है उसके समझते हैं, और साधारण जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं बोले ये तो जयपुर से घिस घिस करके लाए हैं, पत्थर को बना करके पीट पाट करके बना करके लाए हैं, कहीं उनके हाथ टूट गया और कुछ हो गया, ये हो गया वो हो गया, है? किंतु ये बात सत्य नहीं है। जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो देखते हैं जो अहो उत्तम महाभागवत के अंतर हृदय से वो साक्षात रूप में प्रकट हुए, यही तो भगवान की खेल है, है? इसलिए वेदांत सूत्र में यही कहा गया, और रूपवत तत एव प्रधान्य ही, और रूपवत इसके रूप नहीं हो सकता है, उनके समान ही हो सकता है। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम गौर प्रमाण।